छत्तीसगढ़ के तिलदा नेवरा थाना क्षेत्र से आपसी विवाद में हत्या करने का मामला सामने आया है। थाना प्रभारी जितेंद्र एसैया ने बताया कि बाजार पारा नेवरा निवासी नवीन विश्वकर्मा ने दीपक यादव की डंडे व बेल्ट से पीट पीट कर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार आरोपी ने दीपक पर घरों में चोरी करने का आरोप लगाते हुए डंडा और बेल्ट से उसकी हत्या कर दी। वहीं पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म काबूल कर लिया है। पीएम के दौरान डॉक्टर साहब द्वारा पीएम रिपोर्ट में गंभीर चोट पुनः ले किए थे, जिसकी क्यूरी कराई गई। क्यूरी में भी एक हत्यात्मक प्रवृत्ति की चोट होना बताया गया, जिस पर से मामला 302 का पाए जाने से थाना तिलदा में अपराध क्रमांक 223/2024 IPC के तहत में कायम किया गया। और अपराध विवेचना के दौरान आसपास के लोगों का बयान लिया गया। बयान के आधार पर संदेही आरोपी नवीन विश्वकर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। पूछताछ के दौरान दिनांक 18/4 को रात्रि के दौरान आरोपी के घर के सामने दीपक यादव आकर बैठा हुआ था, जिस पे किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ। विवाद होने के बाद चोरी की बात कुछ सामने आई, मेरे घर में चोरी करने आ, इस बात को लेकर दोनों में लड़ाई हुई थी। तो नवीन द्वारा जो है अपने घर में रखे डंडे से, जिसमें लोहे का गुजरा लगा हुआ था, उससे उसके पैर में वार किया, जिससे उसके पैर में चोट आई, जो फ्रैक्चर हुआ था और काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकला हुआ था।